नमस्कार, मैं नीतीश कुमार हलचल आज पुनः इतिहास की एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। मैं बता दूँ कि हमारी नियमित वीडियो आपको मिल रही है और हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि सभ्यता होता क्या है। तो मानव लोगों का या आदमी का या मानव का जो बाहरी विकास है, जो भौतिक विकास है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और इनहेरेंट जो डेवलपमेंट है, आंतरिक जो विकास है, मानसिक विकास जो है, वो सारा विकास संस्कृति के अंतर्गत आता है। बात करना चाहेंगे कि स्टोन एज और फिर सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या है। तो स्टोन एज में जिंदगी एकदम से अनगढ़ थी, बेडौल थी, समस्याओं से ग्रसित जिंदगी थी, बहुत सारे हमारे पास कठिनाई थे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में होता क्या है कि हम धातुओं का उपयोग करने लगते हैं और धातु में हम देखते हैं कि हमारे पास तांबा है और तांबा में यहाँ पर धातु कर्म की भी जानकारी मिल गई है और तांबा में यहाँ के जो सिंध प्रदेश के जो लोग हैं वो टीन मिला देते हैं और धातु और जब टीन मिलता है तो एक मिश्र धातु का निर्माण करता है और उस मिश्र धातु का नाम कांसा होता है, ब्रॉन्ज होता है। तो देखेंगे कि तांबा और टीन का उपयोग करना हमारे सिंधु घाटी के लोग सीख गए हैं, तो ये कांसा बना ले रहे हैं। अब बात उठती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, या नाम पर भी इससे विवाद है कि आखिर कौन सा उपयुक्त नाम होना चाहिए। तो नाम के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नामकरण क्या होना चाहिए। तो नामकरण के लिए एक जो आप ऊपर नाम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये शुरुआती में जो इसकी खोजबीन हुई थी वो सिंधु नदी के किनार पर हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी का सभ्यता पड़ा। बात है कि जब 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक चल रहा था तब तक ये ब्रिटिश जो पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी थे उनका मानना था कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भारत में कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, यानी 326 ईसा पूर्व के पहले भारत में कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। लेकिन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक की शुरुआत में ही, अर्थात यूं कह लें कि 1921 ईस्वी और 22 ईस्वी का जब समय रहा, तो भारत के दो प्रसिद्ध पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने दो साइट्स खोजे। वो दो साइट्स कौन कौन थे तो उस पर हम ध्यान देंगे कि एक जो पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो थे कौन। तो एक व्यक्ति का नाम है राखाल दास बनर्जी और एक व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज कर दी, हड़प्पा की खोज की, और राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अब ध्यान देना है कि आखिर ये मोहनजोदड़ो था कहां और हड़प्पा ये कहां था। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और हड़प्पा जो है वो पंजाब वाले प्रांत में पड़ता है, लेकिन वो आज का जो पंजाब है। नामकरण देखें तो उपयुक्त नामकरण में नाम क्या होना चाहिए उस पर बात करें तो उपयुक्त जो अभी तक का नाम प्रकाश में आया है सिंधु घाटी सभ्यता का, उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा की सभ्यता है। तो ये ख्याल रखेंगे कि अगर इसमें से पूछा जाए कि बहुत सारा नाम रहेगा, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, दूसरा नाम आप ऊपर देख ही रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता ये कहा जा सकता है, तीसरा जो नाम आ सकता है एक कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता
ये तांबा में टीन का प्रयोग करना जान गए हैं, इसलिए इस सभ्यता की विशेषता हो गई है कांसा, क्योंकि अभी तक के कांसे का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए एक प्रॉपर्टीज हो जा रहा है कि कांस्य युगीन ये सभ्यता है। इसके बाद है कि अभी तक के हम देख के आ रहे हैं कि स्टोन एज में नगर बसना शुरू नहीं हुआ था, ग्रामीण बस्तियां थोड़े पैमाने पर ताम्रपाषाण काल वगैरह में चालू हुआ है, यहाँ पर बड़े बड़े महल मिल रहे हैं, नगर का आविष्कार हो चुका है, इसलिए इस सभ्यता का एक और नाम नगरीय सभ्यता भी है। नगरीय सभ्यता, इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन। ये जो है इसे इसकी जो समानता है, तो ये नाम है, अगर नाम के संदर्भ में बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन की सभ्यता भी इसे कहा जाता है, नगरीय सभ्यता क्या कहा जाता है, और ये अर्बन सिविलाइजेशन है। लेकिन इसमें सबसे जो उपयुक्त तो नाम होगा वो नाम क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता होगा, क्योंकि ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते रहता है कि ऐसे सारा नाम दिया रहेगा, इसमें से उपयुक्त नाम अगर चुनने को बोले तो वही जो हड़प्पा की खोज, और इसलिए भी ये उपयुक्त नाम है क्योंकि पहली जो इस प्रदेश की खुदाई के लिए जो पहली बुलडोजर चली थी वो सबसे पहले यहीं पर चली थी। तो यही है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने शुरुआती टाइम में किया है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में पड़ता है, कौन सा प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत में, और सिंध प्रांत में अभी जो वर्तमान में है वहाँ पर एक जिला है जिस जिला का नाम है लरकाना जिला, लरकाना जिला। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया, और वो अभी वर्तमान समय में सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है, और हड़प्पा जो है वो अभी पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है उस इलाके में पड़ता है, और उसमें एक ज़िला है जिसका नाम है मॉन्टगोमरी ज़िला, मॉन्टगोमरी ज़िला। तो ये ध्यान रहे कि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की सिंध प्रांत में पड़ता है अभी लरकाना ज़िला में, और हड़प्पा जो है वो पंजाब के मॉन्टगोमरी ज़िला में है। इसके संदर्भ में नदी पर भी बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते रहेंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं। तो अगर आप आसानी से इसे याद करना चाहते हैं मोहनजोदड़ो को, तो आप इसे एक कूट के रूप में याद कर सकते हैं, मौसी के रूप में, अगर मौसी आप देख समझते हैं तो मोहनजोदड़ो मिल जाता है और सी से सिंधु मिल जाता है। अगर आप इसके खोजकर्ता को याद करना चाहते हैं तो मोर के रूप में याद कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो हो जाता है मोह से, और ये र जो है रेफरेंस दे रहा है राखालदास बनर्जी को। लेकिन अगर आप हड़प्पा के बारे में एकदम सिस्टमेटिक जानकारी पाना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि हम पर दया करो, अगर इसको कूट में याद करके रखेंगे तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो हम कहने से मतलब है कि ये हड़प्पा है, और यहाँ पर माँ का अर्थ हो जाएगा कि मॉन्टगोमरी जिला है, वो हड़प्पा जो है वो मॉन्टगोमरी जिला में है, मॉन्टगोमरी जिला भाई कहाँ का है, वो पंजाब वाला है, पर से यहाँ हो जा रहा है, और दया से यहाँ पर दयाराम साहनी हो जा रहा है। तो अगर एक लाइन हम याद रखें हम पर दया करो, तो हड़प्पा जो है वो मॉन्टगोमरी जिला में है, वो पंजाब में पड़ता है, और इसका जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी किए हैं। और नदी की बात करें तो नदी यहाँ पर क्या है, रावी नदी है। अब इसके बाद हम आगे जानना चाहेंगे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है वो महज 640 किलोमीटर की है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है वो 640 किलोमीटर है, और इसके बीच की दूरी को पिगट महोदय ने बताया है, पिगट महोदय ने
बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी वो सैंधव कालीन सभ्यता का जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। तो ये एक प्रश्न बनता है यहाँ पर से, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी का दर्जा किसने दिया या किसने कहा, तो वो नाम आएगा पिगट महोदय का। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो एक दूसरे से 640 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में कि आखिर सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी कितनी दूर में फैली हुई थी, कितना विस्तृत रेंज था, यह हिंदुस्तान में ही केवल पाई गई, सिंधु नदी के घाटी के किनारे ही पाई गई, या अन्य नदियों के किनारे भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष फल फूल बढ़ रहे थे, या भारतीय संदर्भ केवल भारतीय प्रांत में ही ये था या अलग जगह पर भी था। तो इन बातों पर चर्चा करें तो देखेंगे कि इसका जो प्रांत है वो बलूचिस्तान में भी मिलता है। बलूचिस्तान में जो जगह है उसमें आप देखेंगे तो सूत कांगेडोर या एक और जगह है सूत कोका, ये जगह है जो बलूचिस्तान में पाया गया है। और अगर आप जगह देखें तो पाकिस्तान में भी पड़ता है, पाकिस्तान के अंतर्गत सिंध प्रांत कहें, सिंध प्रांत। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो मिल जाता है, कोट दीजी मिल जाता है, इसके बाद मिल जाता है आपको चनहुदड़ो। तो ये सारे जो जगह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाए जाते हैं, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनहुदड़ो। अगर बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की या भारत के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं उसमें आप एक जगह देखेंगे गुजरात, और गुजरात में आपको जगह मिलता है लोथल। लोथल के बाद एक और जगह यहाँ है रंगपुर, देसलपुर, और रंगपुर देसलपुर, उसके बाद एक और जगह है धौला बीरा, ये धौला बीरा वहीं पे पाया जाता है। तो ये देखेंगे कि गुजरात में पाया जाने वाला स्थल है लोथल, रंगपुर, देसलपुर और धौलावीरा। एक बात और करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जगह मिला है वो गुजरात से ही मिला है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब पुरास्थल खोजे गए तो सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं, साइट्स जो मिले हैं वो गुजरात से ही मिले हैं। तो लोथल देख रहे हैं, रंगपुर, देसलपुर, धौलावीरा, एक और जगह है सुर कोटडा। तो सुर कोटडा, इन तमाम जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपको जगह मिल जाता है रोपड़, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पंजाब का रोपड़। तो रोपड़ जिसे रूपनगर भी कहा जाता है, रोपड़ का एक नाम क्या है रूपनगर, तो ये ध्यान देंगे। और कोटला यहीं पे एक जगह है, कोटला, कोटला एक जगह है, एक जगह का नाम है निहंग, और एक और जो जगह है उसका नाम है संघौल। तो ये इन चीज़ों, इन तथ्यों को, इन साइट्स को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे चल करके इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि संघौल से क्या मिला, निहंग से क्या मिला, देसलपुर धौलावीरा से क्या मिला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते जाएंगे कि पंजाब में जगह क्या पाया जा रहा है। रोपड़ एक जगह है, रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं, कोटला एक जगह है, निहंग जगह है, और एक जगह का नाम क्या है संघौल नाम है। उसके बाद अगर आप हरियाणा में देखें, हरियाणा में, तो हरियाणा में भी साइट्स पाया गया है। इसमें देखेंगे एक जगह का नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, एक और जगह जो है उसका नाम है मिताथल, मिताथल, और एक और जो जगह है
बनावली, बनावली। तो ये ध्यान देंगे कि हरियाणा से राखीगढ़ी, मिताथल या बनावली मिला है। राजस्थान में अगर साइट्स देखें तो राजस्थान में एक साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स मिला है जिसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। तो ये ध्यान देंगे कि राजस्थान से कौन सा जगह मिला है, तो कालीबंगन मिला है काले रंग की। यूपी में जो जगह मिला है वो यूपी में देखें तो बड़ा गांव एक जगह है, बड़ा गांव एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है हुलास, और एक और जो जगह है उसका नाम है आलमगीरपुर। तो ये ध्यान देंगे कि यूपी में ज़्यादातर यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि आलमगीरपुर में पाया गया है, लेकिन ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, बड़ा गांव और हुलास। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो जगह है वो है दाइमाबाद, और जम्मू और कश्मीर में भी एक साइट्स मिला है, जम्मू और कश्मीर में एक साइट्स मिला है जिसका नाम है मांडा। तो ये मैं बात कर रहा था आपको साइट्स के बारे में। तो साइट्स देखें कि बलूचिस्तान में मिला है, सिंध प्रांत में मिला है, गुजरात में जो मिला है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो सैंधवकालीन जो साइट्स खोजे गए हैं वो गुजरात में ही मिले हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ हैं, तो गुजरात में है, उसके बाद पंजाब में मिला है, हरियाणा में मिला है, और फिर देख रहे हैं यूपी में, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में। तो ये कह सकते हैं कि एक चीज़ तो इतना साइट्स लिखने से पता चल रहा है कि दक्षिण भारत से कोई साइट्स नहीं मिल रहा है। इसको बताने का अर्थ ये हो सकता है, या आप अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी कर सकते हैं कि ये सारे जो जगह लिखवाए गए हैं उसमें दक्षिण भारत का कोई साइट्स नहीं है। तो ये स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर और पश्चिमी इलाके की तरफ हुआ था। अब जो है हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में कि आखिर वो कौन से कारण रहे, कौन से वजह रहे। अनायास ही किसी सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है। सभ्यता का मतलब होता है एक बाहरी आवरण का विकास, एक बहुत बड़े स्तर पर भौतिक विकास, और ये भौतिक विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, और किन लोगों ने इस सभ्यता के विकास में अहम योगदान दिया, इन पर हम अब बात करेंगे। तो ये उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में किन लोगों का योगदान रहा। सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता है, या इस सभ्यता के निर्माण में विदेशी लोगों का योगदान रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और आज वर्तमान संदर्भ में भी इस पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और रोज़ इस पर तहकीकात और अनुसंधान जारी है। लेकिन हम लोग प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में बात करेंगे, और जो कुछ भी अभी तक के विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने ज्ञान से या अपने विवेक का प्रयोग कर करके जिन तर्कों को ला कर करके पुस्तकों में रखा है उसको हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक विदेशी राइटर की बात करता हूँ या ब्रिटिश हिस्टोरियन की बात करता हूँ, जिनमें एक का नाम है गॉर्डन चाइल्ड, गॉर्डन चाइल्ड। एक व्यक्ति का नाम है सर जॉन मार्शल, एवं मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर। इन तीन लोगों का अगर हम आइडिया जानना चाहें तो गॉर्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल एवं मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा बनाई गई या विकसित की गई सभ्यता नहीं थी। इस सभ्यता के निर्माण में मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों का योगदान रहा है। क्या कहा गॉर्डन चाइल्ड और सर जॉन मार्शल एवं मॉर्टिमर व्हीलर ने, कि इस सभ्यता के निर्माण में मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों का योगदान रहा है, सुमेरियन लोगों का योगदान रहा है। देखिए अब तो एक बहुत बड़ा डिबेट होगा कि सभ्यता हिंदुस्तान की है, विस्तार हिंदुस्तान में है या भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत है,
और इस सभ्यता को बनाने में मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों का योगदान है। मेसोपोटामिया जो है उसे अगर हम वर्तमान में जानना चाहें तो मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, वो आज इराक के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया जो है वो आज किस नाम से जाना जाता है? इराक के नाम से। मेसोपोटामिया जो थी वो पहले दजला फरात नदी के किनार बसा हुआ था। अगर प्रश्न पूछे कि मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे बसा हुआ था तो दजला फरात नदी के किनारे। लेकिन इसी मेसोपोटामिया को आज कहा जाता है इराक, तो इराक के किनारे नदी जरूर होगी वो दजला फरात। तो दजला फरात नदी का नाम आज वर्तमान संदर्भ में क्या है? टिग्रिस। टिग्रिस, तो ध्यान रहे कि इराक में जो एक टिग्रिस नदी है और पहले यह टिग्रिस दजला फरात के नाम से जाना जाता था और आज इराक जो है, पहले जो इराक था वो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। या कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया आज इराक के नाम से जाना जाता है और दजला फरात जो है आज टिग्रिस नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि गॉर्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल एवं मोर्टिमर व्हीलर ने कहा कि ये हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा, हिंदुस्तानी जनजातियों के द्वारा या पूर्व पाषाण काल या पाषाण काल के लोगों के द्वारा ये सतत बनाई गई सभ्यता नहीं है। ये सभ्यता मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों की देन है। और इसके पीछे वो तर्क देते हैं, कुछ इक्वलिटी की बात करते हैं, कुछ समानता की बात करते हैं। तो उस समानता पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो उत्पत्ति में कुछ समानता है जिसके आधार पर वो कहते हैं कि ये मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों का देन है। देखते हैं कि क्या खरी समानता था मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पहला जो समानता वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि दोनों जो था, दोनों सभ्यता जो है वो नगरीय था। दोनों में अर्बनाइजेशन के गुण पाए गए हैं। दोनों सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा, तांबा और पाषाण के उपकरण का, पाषाण के औजार का उपयोग करते थे। यानी ये समझ ले कि मेसोपोटामिया के भी लोग और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी औजार के रूप में कांसा का बना हुआ, तांबा का बना हुआ और पाषाण का बना हुआ प्रयोग में लाते थे। तो ये दोनों समानता है। तीसरी जब अगर बात करें तो दोनों जगह में घर जो बने हुए थे वो कच्ची ईंट या पक्की ईंट का बना हुआ था। तो ये दोनों जगह की समानता है। दोनों जगह पर जो है लिपि जो मिला है, दोनों जगह लिपि था और लिपि जो है कि सेम है। तो दोनों जगह लिपि का भी साक्ष्य मिला है, ये ध्यान देखेंगे। और बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे। तो ये दोनों जगह पर बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग होता है। तो इन समानताओं के आधार पर गॉर्डन चाइल्ड, मोर्टिमर व्हीलर और सर जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों की देन थी, न कि हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा डेवलप की गई सभ्यता थी। तो समानता क्या था? दोनों सभ्यता नगरीय था। कांसा, तांबा और पाषाण के औजार का प्रयोग दोनों सभ्यता के लोग करते थे। घर जो था कच्ची या पक्की ईंट का बना हुआ था, वो दोनों जगह की ये समानता है। दोनों सभ्यता में लिपि की जानकारी थी और दोनों सभ्यता के लोग जो थे वो बर्तन बनाने में चाक का प्रयोग किया करते थे। तो प्रोफेसर टी एन रामचंद्रन की बात को मान लिया जाए, आर एस राव की बात को मान लिया जाए, मान लिया जाए कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में वैदिक सभ्यता के लोगों का योगदान रहा था, और अगर मान भी लेते हैं तो इस तथ्य को सत्य साबित होने में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा ना, ये पूर्ण रूप से ये तथ्य सही नहीं लगता है। इसके पीछे इतिहासकारों ने काउंटर किया है और काउंटर में देखेंगे तो बहुत सारे अंतर मिल जाते हैं कि इसका निर्माण वैदिक सभ्यता के लोगों ने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारा अंतर मिलता है। तो अगर अंतर देखेंगे तो अंतर पर बात करें तो निम्नलिखित अंतर दिखेंगे। वैदिक सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता, अंतर पर बात करें
तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। इसके बाद देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो था वो कृषि मुख्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो कृषि पे ज़्यादा ध्यान ना दे कर करके व्यापार पर ध्यान देते थे, ये ज़्यादा ट्रेडर थे। यहाँ पर जो है कि लोग युद्ध प्रिय थे, युद्ध प्रिय कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये विजय प्रिय थे, विजय प्रिय थे, विजय इनको प्रिय था, लेकिन ये जो थे व्यापार प्रिय थे, व्यापार प्रिय थे, व्यापार इनको प्रिय था। यहाँ पर जो है कि अगर जानवर में देखें तो गाय जो है उसके लिए एक शब्द आया है अघन्या, यानी बहुत ही इसको सम्मान किया जाता था, अगर इसकी चोरी हो जाए तो युद्ध हो जाता था। लेकिन सिंधु घाटी में अगर देखेंगे, हड़प्पा में देखेंगे तो वृषभ का प्रयोग मिलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुबड़ वाला सांड जो है, कुबड़ वाला सांड जो है वो ज़्यादा प्रिय पशु है, ज़्यादा प्रिय पशु जो है वो कुबड़ वाला सांड है। यहाँ पर देखेंगे कि अश्व केंद्रित सभ्यता है, ये जानवर में एक और देखेंगे कि अश्व केंद्रित है, घोड़ा का ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नगण्य मात्रा में घोड़ा का प्रयोग है। तो ये कहेंगे कि अश्व केंद्रित ये नहीं है, ये कटकुट जो है वो बता रहा है कि ये अश्व केंद्रित नहीं है। और औजार के रूप पर अगर हम इसकी अंतर को देखें तो औजार में भी अंतर पाया जाता है। यहाँ पर इनके औजार जो हैं वो अधिकांशतः लोहा के बने हैं, लेकिन इनका जो औजार है वो पहले भी हम जान चुके हैं, औजार इनका जो है वो कांसा का है, तांबा का है और पाषाण का है। तो इस आधार पर भी अंतर हमको देखने को मिल रहा है। और लिपि में अगर हम देखें तो लिपि के आधार पर भी कुछ अंतर है। लिपि जो है वो वैदिक सभ्यता के लोगों के पास लिपि की जानकारी नहीं थी, वैदिक सभ्यता के लोगों के पास लिपि की जानकारी नहीं थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लिपि की जानकारी थी। तो ये अगर हम देवताओं के संदर्भ में बात करें अंतर पर, तो देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अंतर मिलेंगे। यहाँ पर इंद्र को ज़्यादा पूजा जाता है, वरुण को पूजा जाता है, यज्ञ का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे कि लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन इंद्र की पूजा, वरुण की पूजा, यज्ञ जैसे अश्वमेघ यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, राजस्व यज्ञ हो, इन तमाम प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों का उदाहरण मिलता है। लेकिन अगर हम धार्मिक उपासना की बात करें तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर के लोग लिंग पूजा करते हैं, यहाँ पर के लोग लिंग की पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। यहाँ पर का जो प्रिय जो देवता हैं वो मातृ देवी के देवता हैं, यानी माता देवी की पूजा करते हैं, धरती को माता देवी की, धरती को मातृ देवी मान करके ये पूजा करते हैं। तो अगर अंतर देखें तो यहाँ पर जो फेमस जो प्रसिद्ध जो देवता हैं वो इंद्र हैं, और सिंधु घाटी के जो प्रसिद्ध देवता हैं वो मातृ देवी के हैं। अब इस पर भी हम कुछ बात कह सकते हैं कि जैसे कहें कि अश्व केंद्रित जो था वो वैदिक सभ्यता था और सिंधु घाटी सभ्यता में अश्व केंद्रित नहीं था, घोड़ा का प्रधानता नहीं मिला है। तो इसके संदर्भ में दो बात कहना चाहेंगे कि सिंधु घाटी में आज के जो अनुसंधान हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि एक जगह है मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, तो मोहन जोदड़ो से एक टेरा कोटा का घोड़ा बना हुआ मिला है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि नहीं वहाँ पर भी घोड़ा था। और लोथल से, लोथल एक जगह है गुजरात में जो आपको बताया गया है,
वहां से घोड़े की तीन मृण मूर्तियां मिली है, घोड़े की तीन मृण मूर्तियां मिली है। और एक और जगह है सुरकोटदा, सुरकोटदा, ये सुरकोटदा हम पढ़ चुके हैं पहले ही, गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पर से घोड़े के अस्थि पंजर अर्थात हड्डी का साक्ष्य मिला है। तो देखिए कि जहाँ पर हम एक जगह अंतर पढ़ रहे हैं कि यह सभ्यता जो थी अश्व केंद्रित थी, घोड़े की प्रधानता थी, घोड़ा लोकप्रिय पशु था, और सिंधु घाटी में घोड़े का साक्ष्य नहीं पाया गया है, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर टी एन रामचंद्रन और एस आर राव। लेकिन समय के साथ इस मान्यता का भी आलोचना हुआ, और आज वर्तमान संदर्भ में देखें तो अश्व का तीन साक्ष्य मिल रहा है, मोहनजोदड़ो में टेराकोटा के रूप में, लोथल से तीन मृण मूर्तियां के रूप में, और सुरकोटदा से अस्थि के रूप में, हड्डी के रूप में। तो यह हड्डी का मिलना इस बात का घोतक है कि वास्तविक रूप से वहां पर घोड़ा मिल रहा था। लेकिन फिर भी इस बात की अभी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी शेष रह गई है, इस पर अभी अनुसंधान चल रहा है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता अश्व केंद्रित था कि नहीं। अब बात करना चाहेंगे लिपि के संदर्भ में कि वैदिक सभ्यता वाले लोगों के पास लिपि की जानकारी नहीं थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लिपि की जानकारी थी। लेकिन आज वर्तमान संदर्भ में भी इस लिपि को विद्वान लोगों के द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, जिससे अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत अनजाने पहलुओं के बारे में जानना भी हमारे पास शेष रह गया है। लेकिन ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के लोगों के पास लिपि की जानकारी नहीं थी। अगर आप देख रहे हैं कि ऋग संहिता जो है, ऋग्वेद है, सामवेद है, ये तमाम जो बातें ऋग्वेद में लिखी गई है, चारों वेदों में जो लिखी गई है या बताई गई है, भले ही ये वेद श्रुति संहिता की परंपरा को फॉलो करता है, लेकिन आखिर जो शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द बोले गए होंगे, बगैर लिपि के तो बोले नहीं जा सकते हैं। और उसको बोलने के लिए व्याकरण होना चाहिए, भाषा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये था, लेकिन इसको मौखिक रखा गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेदों को माना गया है कि ये अपौरुषेय है, ये पुरुषों के द्वारा लिखा गया नहीं है, वो डायरेक्ट जो है कि उस ऋषियों मनीषियों ने तपस्या कर करके भगवान को मनाया, रिझाया, और उनके मनाने रिझाने से जो आशीर्वाद स्वरूप जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, उन ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने संतति में बांटाते गए। और फिर इस तरह से फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते करते इस जगह पर पहुँच चुके हैं कि अभी तक फाइनल कोई निष्कर्ष में नहीं कहा जा सकता है कि क्या सही था क्या गलत था। कुछ जो एक इतिहासकार हैं जी सी पांडे, थोड़ा सा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, छोटी सी एक बात है, जी सी पांडे क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जो ऋग वैदिक कालीन में जो दो जनजातियाँ हैं, दास और दस्ययु, ये सारे द्रविड़ प्रदेश से आते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में जिनका जो मुख्य योगदान रहा है वो द्राविड़ प्रदेश के लोगों का रहा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का रहा है, और इनकी जो भाषा रही थी वो द्रविड़ थी। तो इस पर भी सवाल उठता है कि अगर द्रविड़ प्रदेश के लोग ही थे, भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोग ही थे, और भारत में तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, और जब साइट्स, इसके पहले हम जब साइट्स पढ़े हैं तो कोई भी साइट्स दक्षिण भारत में नहीं मिला है। तो जी सी पांडे ने जो अनुसंधान किया कि ये द्रविड़ भाषाई लोग थे और द्रविड़ लोगों ने वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया था, वो सारा चीज़ जो है वो अभी भी तर्क की कसौटी पर कसना बाकी रह गया है। तो चलिए, आज की जो परिचर्चा का जो विषय रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके अंतर्गत हमने दो विषय को चुना, दो विषय को नहीं चुना, दो सब पॉइंट को चुना, उस सब पॉइंट में देखा इसके नामकरण के बारे में, और नामकरण के बाद जो हमने एक पॉइंट्स उठाया, उस पॉइंट में
हमने देखा क्या कि इसमें साइट्स कहाँ कहाँ पर मिले हैं, और साइट्स के बाद उत्पत्ति के सिद्धांत पर हम लोगों ने चर्चा की। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके जो मेन मेन साइट्स लिखाएंगे, उन साइट से कौन कौन से चीज मिले हैं जो प्रतियोगिता संदर्भ के दृष्टिकोण से जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, उन पर हम अगले क्लास में पूरे डीप तरह से पढ़ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये बिहारी बैक वेंचर्स चैनल जो है वो फेसबुक पर भी है, आप वहाँ पर भी जाएं और लाइक और शेयर करना मत भूलें। और इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, और मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को धैर्य पूर्वक और उस समय देखें जब आपके पास खूब वक्त की आज़ादी हो, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं हो, कोई आपको बुलाने वाला नहीं हो। और अगर आप इस वीडियो को उस वक्त देखेंगे तो मुझे ये विश्वास है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, एक कविता की पंक्ति है जो हमेशा हमें ऊर्जा प्रदान करते रहती है, और वो ये पंक्ति है कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मज़ा है फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। और इसी के साथ एक अंतिम कविता की पंक्ति वो मैं कहना चाहता हूँ कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमी से उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, विद्या बगानों में फलती नहीं है, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या आसमां से टपकती नहीं है, विद्या उसी को जो चाहा है दिल से, विद्या किसी की बपौती नहीं है, विद्या किसी की बपौती नहीं है। धन्यवाद।